नमस्कार दोस्तों, वीकेंड विलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। मई लास्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा, सेकंड वीक बोल सकते हैं, यानी 20 मई से लेकर 26 मई तक एग्ज़ाम होना है। डेट डिक्लेयर हो गई है, एक दिन बीच में पेपर नहीं होगा। अब किस दिन नहीं होता है ये देखना होगा, लास्ट टाइम की तरह ये अब 6 दिन पेपर होगा, एक दिन बीच में नहीं हो पाएगा। 20 से 26 यानी 7 दिन होते हैं, जबकि पेपर 6 दिन ही होने हैं। तो कंफर्म हो गया है, 20 मई से एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, कंफर्म है। एडमिट कार्ड मई के सेकंड वीक में आपको मिल जाएंगे, यानी 15 तारीख के आसपास सबको अपना अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात यह है कि इन 15 से 20 दिनों के बीच में कैसी रणनीति हम तैयार करें ताकि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि प्री बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। मेंस जो है उसमें टेक्निकल के 150 प्रश्न आएंगे, तो वहाँ हमारी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर, करेंगे पूरी रणनीति चर्चा, वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि प्री आपको क्वालिफाई कराने में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा, इसलिए लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है, कम्प्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स आपको मिलेगा। दोस्तों, बात करें अगर टेक्निकल हेल्पर के लिए रणनीति की, तो मेरा एक ही सुझाव है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं केवल क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस करें। अब हो सके तो थ्योरी ना पढ़ें, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सबकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है। और अगर माय डियर आपकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि दौड़ से बाहर पहले ही हो चुके हैं। क्योंकि अगर इस लेवल पर आने के बाद भी आपकी थ्योरी एक बार भी कंप्लीट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से पीछे है, इसे स्वीकार कीजिए। और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, तो देखिए बड़ा सवाल यही बनता है कि मेरा ट्रांसफार्मर तैयार है, मैंने ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब मुझे ये देखना है कि ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब आपको जब बड़े क्वेश्चन की बात करें, तो मेन तो ये आता है कि क्वेश्चन भी जनरली हमने पढ़ रखे हैं, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जितने ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज कीजिए। आपको लगता है कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कम से कम आप 100 क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन दोस्तों, उस 100 क्वेश्चनों को पढ़ने का भी तरीका बताता हूँ। आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, अपनी तरफ से उन 100 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और उसके बाद में आपको उन 100 क्वेश्चंस का आंसर मिलान करना है। यूँ नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका आंसर देख लिया, और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि ये तो मुझे भी आता था, यानी ये मेरा सही हो गया। तो इस तरह की रणनीति आपकी ना हो। छोटी सी रणनीति है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेना शुरू कीजिए, उनके आंसर लिखिए, और लास्ट में किसी दूसरे से, अपना जो भी साथी आपके पास हो, उनसे कहिए कि इसका मिलान कीजिए। उसमें से देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपके पूरे 70% इसमें से सही हो गए, तो उन 30 क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए कि इनमें मेरे क्यों गलत हो गए, क्या क्वेश्चन पूछा गया था और हम इसको क्या नहीं समझ पाए। तो आपके इन 20 दिनों में 20 से 25 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। इतने ही टॉपिक है थ्योरी में, मेन मेन एक बार पूरी फाइनल आपकी रिवीजन हो जाएगी, और ये समझ लो कि ये फाइनल रणनीति है, ठीक है ना। बाकी सिलेबस में तो किसी को डाउट नहीं होगा। एक बार और बता दूँ, अगर आप कहूँ तो मैं, टेक्निकल के आएंगे 50 प्रश्न,
नॉन टेक जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके आएगा उसकी भी मैं बात करूँगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। राजस्थान जीके के 35 क्वेश्चन आएंगे। मैथ एंड साइंस दोनों को मिला करके उन्होंने लिखा है कि 10 क्वेश्चन आएंगे और इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों को मिला करके उन्होंने लिखा है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी ओवरऑल आपके इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे में पूछ रहे थे कि मार्क्स वगैरह, 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। 5 ऑप्शन मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न को चूज करने के लिए, सही आंसर चूज करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग इस दौरान नहीं रहेगी। इसलिए एक बात ध्यान से समझिएगा, किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वक्त बहुत मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, यानी 100 प्रश्नों के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी अधिक का समय मिल रहा है। इसलिए मैं इतना ही सुझाव आपको और देना चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। भले आपको नहीं आता है उसमें कितना ही गलत भरना है आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर सही हो गया तो नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपके प्राप्त अंक है उनमें से कोई माइनस डिडक्शन नहीं होने वाला है, इसलिए छोड़ना एक भी क्वेश्चन आपको नहीं है। अब आइए एक और सुझाव देता हूँ आपको। देखो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसके लिए आप थोड़े से अलग अलग टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, 4-5 जो भी आपको अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे क्या आपको पता लग जाएगा कि इन 5 प्रश्नों में क्या पूछ रहा है, करंट जीके पूछा जा रहा है, ओल्ड पूछा जा रहा है, या कहीं से और पूछा जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, करंट जीके अगर किसी का भी हो, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे और कहीं का हो, फरवरी 2022 तक का पढ़ना, इसके बाद का नहीं आएगा। मार्च में से बहुत कम संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जाए। फिर भी अगर आप और ज़्यादा एक्टिव हैं तो बस मार्च 2022 का ही पढ़ना है आपको, इसके बाद नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है अप्रैल में तो पेपर तैयार हो चुका था। इसलिए आप मार्च 2022 तक के ही करंट जीके को पढ़ें, इसके अलावा कोई भी चीज़ ना देखें। इसमें देखो 5 प्रश्न मैथ के पूछे जाने की संभावना है, तो 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस 35 प्रश्नों में कोई डाउट नहीं है, इन 50 प्रश्नों में कोई डाउट नहीं है। बात है कि इन 5 प्रश्नों का लेवल कैसा है, तो ये आप अलग अलग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। मैंने भी प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्री एग्ज़ाम से पहले 10 प्री आपको कंप्लीट मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूं। मैं 1 दे चुका हूं, मैं बाकी और तैयार हो रहे हैं जल्दी। हाँ, ये मिलेगा सिर्फ कोर्स वाले बच्चों को ही, जिन्होंने कोई भी किसी भी तरह की आपने टेस्ट सीरीज ले रखी हो, कोई कोर्स ले रखा हो, उन सब में वो टेस्ट प्रोवाइड रहेगा, ठीक है। तो इस रणनीति को फॉलो कीजिए कि टॉपिक वाइज आपको हल करने हैं क्वेश्चन, और आपको उसे एक एग्ज़ाम की तरह ही टैकल करना है। आपको यही देखना है कि मेरे इसमें से कितने सही हो गए, कौन सा गलत हुआ, तो वो क्यों गलत हुआ, और जो भी उत्तर आपका सही हो रहा है उसका भी आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ये मेरा इस वजह से सही हुआ। मैं गारंटी देता हूँ कहीं मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है, विचारों से सहमत हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी को।